ये हमारा पांचवा सेशन है जिसमें हम पार्ट ऑफ स्पीच टैक्स सेट देख रहे हैं। उसूली तौर पे तो पार्ट ऑफ स्पीच टैक्स सेट पहले सेशन में डिस्कस हो जाना चाहिए था, लेकिन हमने कहा कि मॉर्फोलॉजी को हमें ज्यादा डिटेल में देखना है और सेमेंटिक्स को थोड़ी ज्यादा डिटेल में देखना है, तो पार्ट ऑफ स्पीच टैक्स सेट हम आखिर में ले जाएं और वहां जाके देख लें। तो जैसे हमने इंट्रोडक्शन में कहा था कि अगर हम डीप प्रोसेसिंग कर रहे हैं, लैंग्वेज की डीप प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो हमें पहले उसका पार्ट ऑफ स्पीच टोकनाइज करना पड़ेगा, किसी भी सेंटेंस को वर्ड्स में तोड़ना पड़ेगा, फिर उस वर्ड्स के पार्ट ऑफ स्पीच पता करने, उनकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पता करने, और उसके बाद फिर सेंटेक्स और सेमेंटिक्स आएगा। हमने मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देख लिया और थोड़ा सा सेमेंटिक्स देख लिया वर्ड लेवल पर। जो दो काम हमारे बाकी थे, एक मेजर काम अभी ये बाकी है कि सेंटेक्स देखना है। पार्ट ऑफ स्पीच का थोड़ा सा तारुफ आज देख लेंगे हम, तो पार्ट ऑफ स्पीच टैक्स सेट्स के काम आज खत्म हो जाएगा। और सेमेंटिक्स में जो सेंटेक्स की बेस पे जो सेमेंटिक्स बनती है वो हम नेक्स्ट दफा देखेंगे। तो आज का टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच टैक्स सेट्स प्लस दो कोड्स हमें देखने हैं। एक ये कि पाइथन में हम पार्ट ऑफ स्पीच टैग किस तरह से देख सकते हैं, इंग्लिश के लिए भी, उर्दू के लिए भी और दूसरी लैंग्वेजेस के लिए। और दूसरा, लास्ट टाइम जो वर्ड सेमेंटिक्स पे बात हो रही थी उसमें वर्ड टू वैक मॉडल किस तरह से बनाते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच टैग सेट, पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन बहुत प्राइमरी लेवल पर ही या शायद नर्सरी लेवल पर ही इंट्रोड्यूस करवा दी जाती है कि पार्ट ऑफ स्पीच इज अ लिंग्विस्टिक कैटेगरी ऑफ वर्ड्स विच इज जनरली डिफाइंड बाय द सिंटैक्टिक और मॉर्फोलॉजिकल बिहेवियर। तो सिंटैक्टिक बिहेवियर की वजह से या मॉर्फोलॉजिकल बिहेवियर की वजह से वर्ड्स को डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है, और हर क्लास को, हर कैटेगरी को एक पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे जॉन नाउन है और सॉ, सॉ एक वर्ब है, द आर्टिकल है और सॉ इस जगह पे नाउन है, तो सॉ आरी नाउन है। क्यों नाउन है? कि सिंटैक्टिकल प्रॉपर्टी उसकी ये है कि दा के बाद जो चीज आती है आमतौर पे वो नॉमिनल होती है, या तो वो एडजेक्टिव होगी या नाउन, जबकि नाउन के बाद जो नॉर्मली इंग्लिश में आएगा उसके वर्ब होने के चांसेस ज्यादा है। तो सॉ हमारे पास एक वर्ड था, एक जगह पे वो एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ, दूसरी जगह पे एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच है। अच्छा, पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं ट्रेडिशनल? ये भी वही है जो क्लासिकली बहुत 2000 साल से या 1.5 हजार साल से चला आ रहा था, और क्लासरूम में हम पहले यही पढ़ते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच टैग्स नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। नॉर्मली जब लिंग्विस्ट एनालाइज करते हैं चीजों को तो इन्हीं पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से एनालाइज करते हैं, लेकिन जब कंप्यूटेशन की बात आती है तो ये काफी नहीं रहे और हमें ज्यादा पे जाना पड़ा। अच्छा, लेकिन उससे पहले कि ये ट्रेडिशनल पार्ट ऑफ स्पीच टैक्स सेट है, ये सिर्फ इंग्लिश के लिए ट्रेडिशनल है, दूसरी ट्रेडिशंस में ये नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अरबिक में अगर जाएं तो अरबिक में सिर्फ 3 पार्ट ऑफ स्पीच होते थे, इस्म, फेल और हर्फ। अरबी ग्रामर जब भी डिफाइन की जाती है तो इस्म होता है, फेल होता है और हर्फ होता है। इवन आपको एडजेक्टिव भी चाहिए, इस्म नाउन है, लेकिन अगर एडजेक्टिव चाहिए तो उसे इसमें सिफत कहते हैं, यानी एडजेक्टिव नाउन, या हम अगर हम कहें तो नॉमिनल, ऐसा नॉमिनल जो एडजेक्टिव की प्रॉपर्टी रखता है। इधर फेल होता है जो वर्ब है, हर्फ में फिर सारी चीजें आ जाती हैं, इसी में प्रीपोजिशंस भी आ जाती हैं, इसी में कंजंक्शंस भी आ जाते हैं और किसी और तरह की चीजें, तो कंजंक्शन और प्रीपोजिशंस दोनों हर्फ में आ जाते हैं। तो अरबिक में ये 3 थे, इंग्लिश में 8 थे जो ट्रेडिशन चला रहा था ग्रीक और लैटिन के जमाने से। कंप्यूटेशन के जमाने में आए तो हमें ये 8 काफी नहीं लगे, या 3 तो काफी नहीं लगे, और उसके लिए फिर पहला जो मेजर डेटा टैक्स सेट बना कंप्यूटेशन के लिए वो पेन ट्री बैंक टैक्स सेट था, जिसमें 48 टैक्स। फिर उर्दू के लिए एक बना 282 टैक्स। इस वक्त उर्दू के लिए जो मौजूद हैं या इंडियन लैंग्वेजेस के लिए जो मौजूद हैं उसमें अराउंड 40 मिलने, सीएलई उर्दू टैक्स सेट में 35 टैक्स। तो ये क्यों हो रहा है, इतने ज्यादा टैक्स सेट 8 पे क्यों नहीं रुकते, 8 से 42 to 82 पे क्यों जाते हैं और फिर 35 पे क्यों वापस आ जाते हैं, ये सब देखने के लिए
हमें इंट्रो देखना पड़ेगा कि पार्ट ऑफ स्पीच टैक्सेट बनाते हुए कंप्यूटेशन के लिए जब हम पार्ट ऑफ स्पीच टैक्सेट बनाते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो एक प्रॉब्लम तो ये है ग्रैनुलरिटी प्रॉब्लम कि एडजेक्टिव्स अगर हम फॉर एग्जांपल इंग्लिश ट्रेडिशन पे चलें जो इंग्लिश की ग्रामर बुक्स में आमतौर पर होता है तो उसमें एडजेक्टिव एक पार्ट ऑफ स्पीच है और वर्ब एक पार्ट ऑफ स्पीच है, ये यहाँ पे लिखे हुए। लेकिन अगर हम गौर से देखें कि एडजेक्टिव कितने टाइप के होते हैं तो हमें कुछ एडजेक्टिव ये मिलेंगे जो क्वालिटी बताते हैं, गुड बैड अच्छा बुरा। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिन्हें एडजेक्टिव ग्रामर की बुक एडजेक्टिव कह रही होती है लेकिन वो क्वांटिटी बता रहे होते हैं, जैसे मॉडर्न कंप्यूटेशनल पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग में फिर हम उन्हें क्वांटिफायर कहते हैं, जैसे सम हो गया, मैनी, चंद, कई। अच्छा कुछ एडजेक्टिव्स हैं फिर एडजेक्टिव्स ब्रॉडर डेफिनेशन में जो ट्रेडिशनली इस्तेमाल होता था वो ये होता था वो जो नाउन को मॉडिफाई करे, नाउन के बारे में कुछ बताए। तो फर्स्ट, सेकंड, पहला, दूसरा, ये भी एडजेक्टिव काउंट होते थे लेकिन ये ऑर्डर बता रहे होते हैं। तो मॉडर्न पार्ट ऑफ हिस्ट्री टेक्स्ट सेट्स में या कंप्यूटेशनल टेक्स्ट सेट में इन्हें ऑर्डिनल कहते हैं, ये ऑर्डर बता रहे हैं। इसी तरह से वर्ब हैं जो गो, रीड, जा, पढ़, ये तो मेन वर्ब है लेकिन इज, वॉज, है और था, ही इज रीडिंग, शी वॉज रीडिंग हो गया, वो पढ़ रहा है, इन सब में है, था, इज, वॉज ये हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी हैं। फिर मॉडल वर्ब्स कैन में जो कोई एबिलिटी या इनएबिलिटी बताते हैं वो मॉडल वर्ब्स हैं। तो इन तीनों को क्या अलहदा अलहदा किया जाए, ये एक सवाल है। और क्योंकि हम सिंटैक्टिकली देख रहे होते हैं तो इंग्लिश में अगर देखें या उर्दू में देखें तो सम फर्स्ट फ्यू गुड बुक्स या फर्स्ट फ्यू गुड कैंडिडेट्स, हम ये कहेंगे तो पहले फर्स्ट आएगा ऑर्डिनल, उसके बाद क्वांटिफायर आएगा, उसके बाद हमारा एडजेक्टिव आएगा। हम इसकी इसको चेंज नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते गुड फ्यू फर्स्ट कैंडिडेट्स। तो ये सिंटैक्टिक प्रॉपर्टी ये है कि पहले ये जो हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज हैं उनमें से कुछ चीज़ें पहले आती हैं, कुछ चीज़ें उसके बाद आती हैं, कुछ चीज़ें और आखिर में आती हैं। इसी तरह से वर्ब जो है, वर्ब में भी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा इंग्लिश में और मेन वर्ब बाद में आएगा। इज रीडिंग होगा, रीडिंग इज नहीं होगा। उर्दू में पढ़ रहा होगा, रहा पढ़ नहीं होगा। तो ऑर्डर की वजह भी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये पहला टेक्स्ट सेट देख लें इंग्लिश का जो प्रपोज यूज हुआ, पेन ट्री बैंक, एक पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी ने एक ट्री बैंक बनाया था बहुत बड़ा सा। जो ट्री बैंक क्या होता है वो हम कॉर्पस सिंटैक्स एनालिसिस में देखेंगे। और उसमें हर वर्ड को जो पार्ट ऑफ स्पीच देने थे उसके हिसाब से उन्होंने टेक्स्ट सेट बनाया और दुनिया भर में बहुत सारे लोगों ने इनको फॉलो किया। अच्छा, इस टेक्स्ट सेट में 48 चीज़ें हैं। क्या क्या वजह हैं, और वजह तो आपको नज़र आ जाएगी ग्रैनुलरिटी वाली प्रॉब्लम। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, अगर आप ये देखें डॉलर्स, नॉर्मली लिंग्विस्ट या कॉमन सेंस लिंग्विस्टिक्स कर रहे हों या कॉमन सेंस अप्लाई कर रहे हों तो हम पंक्चुएशंस को पार्ट ऑफ स्पीच ट्रीट नहीं करते। हम ये कहते हैं पंक्चुएशंस तो होंगी और जाहिर वो पंक्चुएशंस हैं, लेकिन कंप्यूटर में ये है कि जब हम कंप्यूटेशन करने जा रहे हैं तो आपको के पास एक स्ट्रिंग आया, एक सेंटेंस आया, सेंटेंस को टोकनाइज करना है उसके कंपोनेंट्स में, वर्ड्स में, और हर वर्ड को कोई पार्ट ऑफ स्पीच देनी है। तो अगर कॉमा, सेमीकॉलन, फुल स्टॉप, कोटेशन मार्क ये भी स्ट्रिंग में सेंटेंस का पार्ट हैं तो हमें इन्हें भी टोकनाइज करना होगा, इन्हें भी कोई पार्ट ऑफ स्पीच टैग देना होगा। तो उनके लिए पंक्चुएशन का जनरल भी यूज कर सकते हैं या हम हर पंक्चुएशन के लिए स्पेशल पार्ट ऑफ स्पीच हमने यूज कर दिया। तो पंक्चुएशंस के लिए पार्ट ऑफ स्पीच है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि अगर हम सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, ये जो जो कुछ है ये सारा न्यूज़पेपर डाटा पे बना था या नॉर्मल बुक्स पर, लिटरेचर बुक्स या मैगजीन्स हो गए या न्यूज़पेपर हो गए, इन पे बात हो रही थी। सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पर, एसएमएस में हम कॉलन और एक पैरेंथेसिस बनाते हैं, उसका मतलब एक स्माइली सिंबल होता है, तो उसको डील करना एक बिल्कुल अलग काम है। उसे किस तरह से डील करेंगे तो इसमें मैं ऐड नहीं कर पाया, बाद में मैं अपलोड करते हुए एक स्लाइड और ऐड कर दूंगा कि कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी वालों ने सोशल मीडिया के लिए एक अलग पार्ट ऑफ स्पीच टैग सेट बनाया है जिसमें स्माइली, इमोटिकन के लिए अलहदा टैग्स मौजूद हैं। तो ये चीज़ है, ये सैम्पल इंग्लिश का बाद में आप देख सकते हैं कि वन कार्डिनल है, चार्ज नाउन है,
अच्छा, प्रैक्टिकली होता क्या है कि पार्ट ऑफ स्पीच टैक्स सेट हम बनाते हैं, उसके हिसाब से हम फिर एक कॉर्पस लेते हैं और कॉर्पस को टैग कर देते हैं हाथ से, यानी आपके पास कोई ना कोई एनोटेटर मौजूद होगा, वो हर वर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ स्पीच टैग लगा देगा, और उसके बाद मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स उनकी मदद से पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग लर्न कर लेते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग के बाद एनोटेशन के, आपको बहुत बड़ा टेक्स्ट लेना है, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लेना है, 1 मिलियन वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया, और उसको हाथ से हर वर्ड को टैग करना है। इसीलिए नाम जो है, अगर मैं कार्डिनल पूरा नाम रखते हैं वो लोग, तो उसे लिखने में टाइप करने में टाइम लग जाता है, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म सीडी कर दिया। नाउन पूरा नाम लिखते हैं तो उसे टाइप करने में टाइम लग जाता, तो उसको शॉर्ट फॉर्म एनएन कर दिया। तो चार्ज एनएन है। ऑफ जो है, पी पोजिशन के लिए अगर पीपी यूज करते हैं तो वो उन्होंने पर्सनल प्रोनाउन के लिए यूज किया है, इस वजह से फिर उन्होंने एक पी पोजिशन आई एन को ही लेके इसे पी पोजिशन के लिए यूज किया। तो ऑफ हो जाए, इन हो जाए, फ्रॉम हो जाए, उन सब की पार्ट ऑफ स्पीच टैग आई एन लगेगा जो प्रीपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर फाइलिंग एन एन है, नाउन है, ए डिटरमाइनर है, फॉल्स जे जे है, एडजेक्टिव लिखना बहुत मुश्किल है तो किसी वजह से एडजेक्टिव को जे जे कह दिया था, रिटर्न एन एन है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, खाली एन, एंड सी सी है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एंड सो ऑन। तो एक काम आप लोग कर सकते हैं कि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऑटोमेटिक टूल्स अवेलेबल हैं, तो आप कुछ टेक्स्ट लें, उसे अपने हाथ से टैग करके देखें और फिर उन टूल से उसे टेस्ट कर लें कि आपने सही किया है या गलत किया है। तो टैग सेट मौजूद थे। इसी तरह से उर्दू जब टैग सेट बनाने शुरू हुए, और इंग्लिश के मुताबिक कई दफ़ा मैं कह चुका हूँ कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत आसान लैंग्वेज है लिंग्विस्टिक्स के लिए, इसमें मॉर्फोलॉजी ज़्यादा नहीं है। इंग्लिश के अलावा किसी भी लैंग्वेज को डील करना जाए, मेजर लैंग्वेजेस को, जर्मन है, अरबिक है, टर्किश है, उर्दू है, यहाँ पर आपको मॉर्फोलॉजी की प्रॉब्लम मिलेगी कि मॉर्फोलॉजी ज़्यादा है। तो उर्दू टेक्स्ट सेट में इश्यूज ये हैं कि कोर्स ग्रेन वर्सेस फाइन ग्रेन। पहले मैं, अच्छा, इसमें से शायद कुछ स्लाइड्स मैंने निकाल दी, एक और जगह से मैंने कॉपी पेस्ट किया था, तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। उन स्लाइड्स में नॉर्मली ये डिटेल होती थी। तो ये इतने ज्यादा क्यों हो गए? एडजेक्टिव, अब आप देख लें, एडजेक्टिव तीन तरह के एडजेक्टिव इसमें मौजूद हैं, जे जे, जे जे आर और जे जे एस। फर्क क्या है? जे जे जो है ना, खाली आप ये कह लें कि फास्ट इज जे जे, फास्टर जिसके आखिर में ई आर आ रहा है, फास्टर, स्लोअर, जिसके आखिर में आर आ रहा है, वो कंपेरेटिव फॉर्म है, उसको आपने अलहदा फॉर्म रखी, और फास्टेस्ट, स्लोएस्ट, इन सब की जो सुपरलेटिव फॉर्म है, इसमें बेस्ट भी आ जाएगा, वो उन सब के लिए जे जे एस रखा। तो तीनों फॉर्म्स के लिए अलहदा टैग्स रखे गए। इसी तरह से नाउन अगर आप देख लें, नाउन में 12, 13, 14, इन तीनों को देख लें, सिंपल नाउन के लिए एन एन होगा, नाउन प्लूरल यानी बुक अगर लिखा हुआ है तो वो बुक हो गया, कॉपी हो गया, लैपटॉप, ग्लास, डोर, इन सब के साथ एन एन लिखा जाएगा। अगर प्लूरल होंगे, बुक्स हो गए, डोर्स हो गए, इन सबको एन एन एस कहा जाएगा। एस पे शॉर्ट फॉर्म है कि ऐसा वर्ड है जिसके आखिर में एस आ रहा है। तो बुक्स, डोर्स, लैपटॉप्स, इन सब के साथ एन एन एस आएगा। फिर एन एन पी जो है वो प्रॉपर नाउन के लिए, प्रॉपर नाउन सिंगुलर के लिए, तो कराची, लाहौर, पाकिस्तान, इन सब के साथ ये आएगा। और अगर प्लूरल हो, प्रॉपर नाउन प्लूरल हो, तो एन एन पी एस होगा। तो हमने ये मॉर्फोलॉजी भी इंट्रोड्यूस करवा दी कि डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स के लिए डिफरेंट टैग्स बनाए। इसीलिए वो 12-13 से बढ़कर, 9-10 से बढ़कर 48 तक पहुंच गए। 9-10 से बढ़कर 48 तक पहुंचने में ये बात है कि हमने पंक्चुएशन ऐड की, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ स्पीच ऐड की, जैसे क्वान्टिफायर्स वगैरह ऐड किए, लेकिन ज़्यादा उसकी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स। लेकिन मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स इंग्लिश में तो चल जाती हैं। जैसे मॉर्फोलॉजी में हमने बात की थी कि वर्ब की सिर्फ चार फॉर्म्स हैं इंग्लिश में, चार या पांच फॉर्म्स हैं। वर्ब बेस फॉर्म 27 पे देख लें, वर्ब पास्ट टेंस वाला हो गया, आईएनजी फॉर्म आ गई, नो से नोन और राइट से रिटन वाली फॉर्म आ गई, तो ये चार पांच फॉर्म है। और एस आ गया कि सी से सीज हो गया और राइट से राइट्स हो गया, तो ये कम फॉर्म्स हैं।
उर्दू में हमने देखा था कि ये 17-18 से ज्यादा फॉर्म्स थी, और सारी फॉर्म देखें तो वो 30 बन जाती हैं। सिंधी में उस तरह की सारी फॉर्म्स देखें तो वो 50 से ज्यादा चली जाती हैं। तो इतनी ज्यादा फॉर्म्स को डील करना उर्दू के लिए मुश्किल था। इसीलिए उर्दू के लिए जो पार्ट ऑफ स्पीच टैक्स सेट बना बनाया पेंट्री बैंक जैसे उसूल को सामने रख के, उसमें 282 टैक्स बन गए। अब हमारे पास सवाल ये आता है उर्दू के लिए, और बहुत सारी जबानें जिनमें रिच मॉर्फोलॉजी होती है, कि हम उसमें कोर्स ग्रेन टैक्स रखें या फाइन ग्रेन टैक्स रखें। कोर्स ग्रेन टैक्स का मतलब यह है कि हमने सिर्फ नाउन रखा, नाउन के डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म नहीं रखे, सिंगुलर प्लूरल को हमने डील नहीं किया। सिर्फ एडजेक्टिव हमारे पास टैग है, एडजेक्टिव सिंगुलर है, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव फॉर्म है, या एडजेक्टिव की सुपरलेटिव फॉर्म है, या एडजेक्टिव की बेस फॉर्म है, हम उसका मैटर नहीं कर रहे। वर्ब की कौन सी फॉर्म है वो मैटर नहीं कर रहे। तो कोर्स ग्रेन टैक्स रखें या फाइन ग्रेन टैक्स रखें। कोर्स ग्रेन टैक्स रखने का, यानी कम छोटा डेटा सेट टैक्स सेट रखने का फायदा यह है कि ये मशीन लर्निंग के लिए आसान होता है। मशीन लर्निंग हर क्लास के लिए जितनी चीज़ों का आप लर्न करवाना चाहते हैं, जितनी चीज़ों का आप आउटपुट करवाना चाहते हैं, उसके लिए अलहदा मॉडल बनाने की कोशिश करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो हर एक के लिए अलहदा मॉडल बनाती है। सारे एल्गोरिथम्स नहीं, लेकिन ज़्यादातर एल्गोरिथम्स ये करते हैं। तो जितने कम क्लासेस होंगी, जितने कम टैग्स होंगे, मशीन लर्निंग उतनी ज़्यादा अच्छी चलेगी। क्यों? क्योंकि उसे बस ये बताना होगा कि ये नाउन है। उसे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ये सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है। उसे ये बताना पड़ेगा कि ये वर्ब की, ये वर्ब है, वो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ये उसे नहीं सोचना पड़ेगा। तो मशीन लर्निंग के लिए कोर्स ग्रेन टैक्स सेट आसान होते हैं, और फिर फास्ट, इजी और फास्ट एनोटेशन। फिर आपको जो एनोटेशन करनी है उसमें भी एनोटेटर को ये सिखाना नहीं पड़ेगा कि एडजेक्टिव आएगा तो उसकी ये वाली फॉर्म भी होती है, वर्ब आएगा तो उसकी ये वाली फॉर्म भी होती है। वर्ब है तो बस वर्ब है, वर्ब की फॉर्म्स उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कोर्स ग्रेन टैक्स बनाना आसान है मशीन लर्निंग के लिए भी, और मशीन लर्निंग के लिए जो एनोटेशन करनी होती है उसके लिए भी। लेकिन उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान यह है कि जो मॉर्फोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है कि ये फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है, वो मिस हो जाती है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है और कोई फॉर्म नहीं आ सकती। अगर हमारे पास बी वर्ब होगा तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, इज राइटिंग हो सकता है, वॉज राइटिंग हो सकता है, लेकिन हैव राइटिंग नहीं हो सकता, या खाली राइटिंग नहीं हो सकता। तो वो वाली इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है, तो फिर वर्ब्स के अच्छे रूल्स हम नहीं बना सकते। तो मॉर्फोलॉजिकल इंफॉर्मेशन बार दफ़ा इम्पॉर्टेंट होती है, या फॉर्म इन्फ्लेक्शनल इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट होती है। तो ग्रैनुलरिटी देख लें उर्दू में ज़्यादा क्यों बनी, तो ये ओपन क्वेश्चन है कि मशीन लर्निंग की वजह से हम चाहते हैं कि कम टैक्स सेट हों, कम टैक्स हों, लेकिन अच्छी ग्रामर लिखने के लिए हम चाहते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल इंफॉर्मेशन और इन्फ्लेक्शनल इंफॉर्मेशन मौजूद हो, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा टैक्स हों। तो इन दोनों को किस तरह से डील किया गया, इसका आखिरी स्लाइड में आंसर आज मिल जाएगा। अभी हम चलते हैं ये ओपन क्वेश्चन छोड़कर। ग्रैनुलरिटी अगर ज़्यादा हुई, किस तरह से ज़्यादा हुई? इंग्लिश में अगर ब्रदर होता तो उसकी दो फॉर्म होती, ब्रदर और ब्रदर्स। ब्रदर जो होता वो NN होता, और ब्रदर्स जो होता वो NNS होता। लेकिन जब उर्दू में आए, और इसी तरह से हार्डी ने उर्दू के पार्ट ऑफ स्पीच टैक्स सेट बनाने शुरू किए, तो भाई की तकरीबन 5 फॉर्म्स हमारे पास आ गई। भाई एज अ सिंगुलर, जिस तरह से लास्ट टाइम हमने लड़का और सेब वाली एग्जाम्पल देखी थी, भाई एज अ सिंगुलर इस्तेमाल होता है, मेरे दो भाई हैं इसमें भाई एज अ प्लूरल भी इस्तेमाल होता है, मेरे भाई ने देखा इसमें ऑब्लिक फॉर्म में भी भाई इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, लेकिन मेरे भाइयों ने देखा जब ऑब्लिक प्लूरल है तो वो चेंज होगा, वरना बाकी चीज़ें चेंज नहीं होंगी। ये बिल्कुल सेम वाली एग्जांपल ही है। तो वर्ब की डिफरेंट, एक ही वर्ड की 5 डिफरेंट फॉर्म्स हमने देख ली, जबकि इंग्लिश में वो 2 थी। और अगर उर्दू, अगर मॉर्फोलॉजी वाला आप ये सेशन याद करें, तो मॉर्फोलॉजी में वर्ब राइट की 5 फॉर्म्स थी, और लिखना की हमने 17 डिस्टिंक फॉर्म्स बताई थी। उसमें से हर फॉर्म बार दफ़ा एक से ज़्यादा चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं, तो उससे ज़्यादा लॉजिकल फॉर्म्स बनती हैं। तो ये इस तरह से उर्दू में 282 टैग्स हो गए। तो ये बन तो गए, लेकिन मशीन लर्निंग के लिए वो मुश्किल काम हो गया। अब उसका दूसरा सोल्यूशन,
और प्रॉब्लम क्या है, इस सेंटेंस में कितने नाउन्स हैं, ये जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, मैंने पानी पिया, इसमें तो सिर्फ एक ही नाउन है पानी, मैंने सबक याद किया, इसमें क्या 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 मौजूद है, मैं प्रोनाउन है, ने आप कह लेंगे पोस्टपोजिशन है, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, सबक सबक जो है वो नाउन है, अब याद किया क्या है, क्या याद एक याद किया एक वर्ब है, सिंगल वर्ब है, या याद किया दो अलग अलग वर्ड्स हैं, अगर याद किया दो अलग अलग वर्ड्स हैं तो किया करना करता ये सारे तो वर्ब्स हो गए, याद को क्या हम नाउन कहेंगे या इसे भी वर्ब कहेंगे, ये पार्ट ऑफ द वर्ब तो है जिसे कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट कहेंगे, ये वर्ब होगा याद, ये कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट में वर्ब ऐसा गया, हाँ लेकिन कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट में नाउन प्लस वर्ब होता है, कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट जब डिफाइन करते हैं तो याद किया या साफ किया में साफ एक एडजेक्टिव है और उसके साथ एक लाइट वर्ब आता है, इसी तरह से याद किया में याद एक नाउन है जिसके साथ एक लाइट वर्ब आता है, तो टेक्निकली ये एक्ट कर रहे हैं एज अ नाउन और एज अ एडजेक्टिव के, जैसे इंतजार है, मैंने उसका इंतजार किया या मैंने बहुत इंतजार किया, तो बहुत जो है वो इंतजार को मॉडिफाई कर रहा है, और इस तरह से तो इनके साथ और दूसरी चीजें नाउन की तरह मॉडिफायर लग सकते हैं, नाउन की तरह एडजेक्टिव, नाउन की तरह एडवर्ब लग सकते हैं, जो वो एडवर्ब नाउन के साथ आते हैं वो इनके साथ भी आ सकते हैं, इनके साथ जेनेटिव फ्रेज आ सकता है, मैंने उसका इंतजार किया, आप उसका पढ़ा नहीं कह सकते, तो पोस्टपोजिशनल फ्रेज इसके साथ नहीं लगा सकते, तो याद जो है वो एज अ नाउन ट्रीट होता है सिंटैक्टिकली। फिर इसमें कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसकी अलग पार्ट ऑफ स्पीच बना दें तो ग्रैमेटिकली बढ़ जाएगी। अच्छा, मैं घर के अंदर गया, घर तो यानी याद एक और आम नाउन से मुख्तलिफ है, तो हम इसीलिए तीन अलग अलग बात कही है कि पानी एक नाउन है, याद नाउन जैसी चीज है लेकिन इसका फंक्शनल फंक्शन कुछ और मुख्तलिफ है, सिंटैक्टिकली तो ये बिल्कुल नाउन है कि वर्ब से पहले आ रहा है, मैंने याद किया और मैंने काम किया बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं, मैंने पानी पिया और मैंने याद किया कि सिंटैक्स बिल्कुल एक जैसा ही लगता है, लेकिन इनकी सेमेंटिक इनके फंक्शन मुख्तलिफ है, तो फंक्शन को हम पार्ट ऑफ स्पीच टैग्स में नॉर्मली इंकोड नहीं करते, इसमें हम सिंटैक्टिक बिहेवियर ही देख रहे होते हैं कि किसके बाद आ रहा है, किससे पहले आ रहा है, एंड सो ऑन। इसी तरह से मैं घर के अंदर गया, घर एक बिल्कुल आम सा नाउन है, अंदर जो है वो पोस्टपोजिशन भी हो सकता है, अंदर जो है वो नाउन भी हो सकता है, ये एक ओपन क्वेश्चन है कि अंदर क्या है, तो डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच टैग सेट्स ने इसे डिफरेंट डील किया है, बाज ने इसे नाउन लिखा है, बाज ने इसे कहा है कि ये पोस्टपोजिशन है, जिस तरह से ने एक पोस्टपोजिशन है, को एक पोस्टपोजिशन है, तो ये भी एक पोस्टपोजिशन है, बाज ने इसके लिए एक अलहदा पार्ट ऑफ स्पीच बना दी, जैसे हिंदी या इंडियन लैंग्वेजेस का जो टेक्स्ट सेट है उसने इसके लिए पोस्टपोजिशनल क्या स्पेशल नाउन स्पेस वाला नाउन कर दिया है, NN स्पेस कह के, या उन्होंने एक खास उसके लिए चीज रख दी है, तो ये हमें सोचना पड़ता है कि हम उसे क्या करें, फंक्शन की बेस पे पार्ट ऑफ स्पीच दें या सिंटैक्स की बेस पे पार्ट ऑफ स्पीच दें, अक्सर ये होता है कि हम उसे सिंटैक्स की बेस पे पार्ट ऑफ स्पीच दें, फंक्शन की बेस पे ना दें, लेकिन इसके खिलाफ भी हम जाते हैं, तो इसका एक आंसर नहीं है, अगली किसी स्लाइड में तीन डिफरेंट टेक्स्ट सेट्स आएंगे उर्दू के, और तीनों ने अंदर को डिफरेंट तरीके से मॉडल किया है, याद और पानी को तो उन्होंने नाउन लिया है लेकिन अंदर को उन्होंने डिफरेंट तरीके से मॉडल किया, तो ये एक ओपन क्वेश्चन रहते हैं, तो उर्दू के टेक्स्ट सेट्स कौन से मेजर अवेलेबल हैं, ये तीन अवेलेबल हैं, CLE सेंटर ऑफ लैंग्वेज इंजीनियरिंग का पार्ट ऑफ स्पीच टेक्स्ट सेट, ये आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी यहाँ पे, इस इनका पार्ट ऑफ स्पीच टैगर भी अवेलेबल है, और इसमें अंदर को नाउन कंसीडर किया गया है, ठीक है, फिर हिंदी उर्दू ये गाइडलाइन इनकी अपनी वेबसाइट नहीं चल रही थी जहाँ पे ये गाइडलाइन लगी हुई थी, तो एक और जगह का मैंने लिंक दिया, इंडियन लैंग्वेजेस के लिए इंडिया में कंसोर्शियम तीन चार यूनिवर्सिटीज ने मिलकर बैठे थे, उन्होंने फैसला किया था कि इंडियन लैंग्वेजेस के लिए क्या होगी,
क्या पार्ट ऑफ स्पीच टैक्सेट होना चाहिए जिसे सब इंडियन लैंग्वेजेस यूज करें. तो वो उर्दू के लिए भी था, हिंदी के लिए भी था, बंगाली के लिए भी था, मराठी के लिए भी था. तो उसमें वो टैक्सेट यहाँ पे डिफाइंड है इस जगह पे, और उसमें अंदर कोई स्पेशल पार्ट ऑफ स्पीच कहा गया है, स्पेशल नाउन कहा गया, स्पेशल SPATIAL स्पेस वाला, स्पेशल टेम्पोरल, बल्कि स्पेशल टेम्पोरल नाउन कहा गया है. अच्छा, यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज का मॉर्फोलॉजी में जिक्र हुआ था, उसमें इसे एट पोजिशन के तौर पे टैग किया गया, या उसका जो डाटा मैंने देखा है उसमें इसे एट पोजिशन के तौर पे टैग किया गया. एट पोजिशन का मतलब यह है कि पार्ट ऑफ स्पीच वो प्रीपोजिशन भी हो सकती है. इन द रूम में, इन द रूम से पहले आ रहा है तो ये प्रीपोजिशन है. कमरे में, में जो है वो कमरे के बाद में आ रहा है तो वो पोस्ट पोजिशन है. तो ये तीन मेजर चीजें हैं, और तीनों के टैगर्स भी अवेलेबल हैं, और टैग डाटा भी अवेलेबल है, और डॉक्यूमेंटेशन भी अवेलेबल है. ये कुछ उर्दू का, उर्दू की एग्जांपल. दुनिया नाउन है, का पोस्ट पोजिशन है, हर जे जे एडजेक्टिव है, फर्द नाउन है, कामयाबी नाउन है, का पोस्ट पोजिशन है, एंड सो ऑन. आर्जुमन नाउन है, और है वर्ब फाइनाइट फॉर्म. तो एक बात हुई थी कि वर्ब की फाइनाइट फॉर्म और वर्ब की इनफाइनाइट फॉर्म, यानी करना होना वगैरह को अलग कर दिया गया इनफाइनाइट फॉर्म को. बाकी फॉर्म्स को पढ़ा लिखा, पढ़ता, पढ़ें, उन सबको वर्ब फाइनाइट फॉर्म रखा गया था, और नॉन फाइनाइट फॉर्म में पढ़ना लिखना वगैरह जो है उनको अलग रखा था, क्योंकि अक्सर वो एज अ नाउन भी इस्तेमाल होती थी, इसलिए उन्हें अलग रखा था. तो ये डिज़ाइन डिसीशन है जो अक्सर दफ़ा लेने पड़ते हैं, कि ये इतनी फंक्शन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या सेंटेंस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इसके दो हिस्से कर रहे हैं. ऑक्सिलरीज, टेंस ऑक्सिलरीज को, अच्छा जो किया गया है ऑक्सिलरीज को भी दो हिस्सों में डील किया गया. जैसे आप ये अगर ऑक्स टी देखें, है के बाद, तो मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ वर्ब होगा, रहा ऑक्सिलरी होगा, लेकिन एक आम ऑक्सिलरी होगा. हूँ जो है वो ऑक्सिलरी है, लेकिन उसके आगे टी लिखा हुआ ही नहीं, वो टेंस ऑक्सिलरी है. तो पढ़ रहा हूँ मैं, पढ़ वर्ब है, रहा ऑक्सिलरी है, और है टेंस ऑक्सिलरी है. तो थ्री वे डिस्टिंक्शन भी करते हैं, या ऑक्सिलरी में टू वे डिस्टिंक्शन करते हैं कि टेंस ऑक्सिलरी अलग हो जाए और बाकी ऑक्सिलरी अलग. इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा सेंटेक्स में होता है, क्योंकि आमतौर पे टेंस ऑक्सिलरी आखिरी चीज होती है. अच्छा, फिर आ जाते हैं यूनिवर्सल टैक्सेट पे. तो तकरीबन अब तो 8-10 साल पहले, ये 10-15 साल पहले होता यह था कि हर लैंग्वेज वाले अपना पार्ट ऑफ स्पीच टैक्सेट बनाते, और वो उस लैंग्वेज को उस तरह से टैग किया जाता. उर्दू ने अपने लिए बनाया, जर्मन ने अपने लिए बनाया, हिंदी का अपने लिए बना. हिंदी में फिर भी एक बात हुई कि इंडियन लैंग्वेजेस का एक बन गया, और बहुत सो ने उसे फॉलो करने की कोशिश की. लेकिन फिर हम अगर अरबी का टेक्स्ट देख रहे हैं, तो उसमें पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग किसी और तरीके से हुई हुई है, उर्दू में अलग तरीके से हुई हुई है, जर्मन में अलग तरीके से हुई हुई है. तो इंटरऑपरेबिलिटी मुश्किल है. हम ऐसा टूल बनाना चाहें जो पार्ट ऑफ स्पीच टैग्स को एक दूसरे पे मैप करे. एक जमाने में मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम बन रहे थे जो पार्ट ऑफ स्पीच टैग्स की बेसिस पर भी उनको भी अलाइन करके देखने की कोशिश करते थे. तो उनके लिए मुश्किल हो जाता था कि वो हर लैंग्वेज का टैग सेट अलहदा अलहदा याद करें. जी हाँ, आपको कुछ पूछना है? जी सर. हेलो जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज. अच्छा सर, अभी जो आपने टैग सेट दिखाया था प्रीवियस स्लाइड से पहले, उसमें सबको आप सबको टैग किया हुआ है जे जे के साथ, सेकंड वर्ड है सब. जी, ये सेकंड लाइन, सेकंड, ये थर्ड वर्ड सब. जी, तो जे जे के साथ सर ये सबको टैग किया हुआ है. तो व्हाट डू यू थिंक, इजंट इट अ डिटरमिनर और प्रोनाउन और एडवर्ब? ये सबको सबको कैसे एडजेक्टिव एडजेक्टिव के तौर पर यूज किया गया? सबको कैसे एडजेक्टिव के तौर पर यूज किया गया? अब मैं याद करूं कि
हमने एडजेक्टिव में एक सेकंड ये वाला ये है क्योंकि डियर सर ये ना तो कोई क्वालिटी को शो कर रहा है ना ये ग्रेडेबल एडजेक्टिव है ना ये सुपरलेटिव को शो कर रहा है ना ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव है तो ये फिर किस हवाले से किस फैक्ट्स एंड फिगर की बेस पर इसको जेजे की कैटेगरी में डाला गया। हाँ हम ऐसा कह सकते थे सब जहीन तालिबे इल्मों ने क्लास पढ़ी सब जहीन तो फिर ये प्री मॉडिफायर हो सकता था एडजेक्टिव का सब जहीन तुलबा सोच गुड क्वेश्चन सब जहीन तुलबा ने इम्तिहान दिया मैं इसका सोच के जवाब दूंगा कि इसके लिए मेरा मौकफ क्या है या मैंने जब टैग किए तो उसे किस तरह से राइट सर आपकी बात बस मैं मतलब इस क्वेश्चन में ये तो हो रहा है कि इसे डेमोंस्ट्रेटिव भी एक तरह से एक सेट को पॉइंट कर रहा है तो इसे डेमोंस्ट्रेटिव भी है और ये डेमोंस्ट्रेटिव है डिटरमिनर भी है सिंटैक्टिक सिंटैक्स के वाले से डिटरमिनर है डेमोंस्ट्रेटिव है प्रोनाउन भी है और एडवर्ब भी है। नहीं वो जो अभी आप कह रहे हैं ना प्रोनाउन और डेमोंस्ट्रेटिव तो एक ही चीज के दो नाम है और जी एग्जैक्टली डिटरमिनर भी हम इसको कह सकते हैं वो तो इसकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है ना हम इसको डिटरमिनर भी उर्दू के डिटरमिनर जो है क्या उर्दू में डिटरमिनर होते हैं ये क्वेश्चन मार्क के नहीं होते जी सर एक आदमी दो लड़कियां ये डिटरमिनर है ना नहीं नहीं ये तो फिर क्वांटिफायर है लेकिन डिटरमिनर नॉर्मली इंग्लिश में जो है वो स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक के मायने उसकी बात कर रहे हैं तो उस पे जाता है। हाँ जी सर जी सर ये वैसे टॉपिक है जिसपे सर आपका वोकफ चाहिए था कि इसके लिए कर सकते हैं मैं एक चीज अपने मुझे बस ये थोड़ा सा लगा था कि किस हवाले से है तो मैं अपने आर्काइव में से कुछ चीजें निकालूंगा और उसके बाद आपसे डिस्कस करता हूँ जो लोग डिस्कस करना चाहें क्योंकि ये जो है ये इसकी बिहेवियर मुख्तलिफ है और डेमोंस्ट्रेटिव जैसे डिटरमाइनर बिहेवियर में प्रॉफ सो प्रॉफ बिहेवियर में भी सब कैसे एडजेक्टिव को बिहेव करता है सब जहीन तालिबे इल्म ये तो समझ आती है ये इसका एक पूरा का पूरा एडजेक्टिव फ्रेज आ जाता है जी सब जहीन तालिबे इल्म ऑल तो ठीक है सर हम आगे बढ़ते हैं जैसे आपको फुर्सत मिले मैं इसको देख के बताता हूँ और वैसे भी ये जो राइट सर डॉक्यूमेंटेशन में देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन में उन्होंने एडजेक्टिव डेमोंस्ट्रेटिव में क्या रखा है और जैसे क्वांटिफायर में उन्होंने काफी बाज वगैरह रखे हैं लेकिन एडजेक्टिव में देखें बहुत कम चलें इस पे बात करेंगे नेक्स्ट टाइम अच्छा सवाल है बहुत जबरदस्त और एक जमाने में मैंने क्लासिफाई करके रखे थे उर्दू के पार्ट ऑफ स्पीच अपने पर्सपेक्टिव से वो मैं खोल के देखूंगा और फिर मैं सर थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू वेरी मच सर अब ये एक मिनट भाई अच्छा लास्ट चीज जो थी कहाँ थे हम पार्ट ऑफ स्पीच टैग्स पे अच्छा इसी पे तो यूनिवर्सल टैग सेट इसका भी जिक्र पहले आ चुका है कि सिर्फ आर्ट नहीं ये तकरीबन वही है जो आर्ट वाला ट्रेडिशनल टैग सेट होता था सिर्फ इसमें कुछ चीजें ऐड की गई जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी जैसे यहाँ पर सिर्फ एडजेक्टिव है और डिटरमाइनर है तो इसमें क्वांटिफायर्स भी एडजेक्टिव में वापस चले गए और ऑर्डर भी उसमें वापस चला गया डिटरमाइनर फिर जो पॉइंट कर दें किसी चीज को वो डिटरमाइनर हो गए वो अलग चले गए ऑक्सिलरी को इसने फिर भी अलग रखा है तो ये यूनिवर्सल टैग सेट है इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लें किताब और शहर नाउन है प्रॉपर नाउन के लिए अलहदा रखा गया कराची और कामरान वर्ब पढ़ता ऑक्सिलरी है और रहा दोनों ऑक्सिलरी हैं जैसे हमने पहले देख लिया एडजेक्टिव में अच्छा चंद पहले ये सारी चीजें ऑक्सिलरी में एडजेक्टिव में चली गई
एडवर्ब रोजाना बहुत तकरीबन, प्रोनाउन मैं तुम वो, इसमें पजेसिव प्रोनाउन भी आ जाएंगे, मेरा तुम्हारा भी इसी में आ जाएगा। अच्छा डिटरमाइनर